हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड के फिफ्थ लेक्चर के बारे में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग 1.3.1 टॉपिक्स को, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। कल मैंने आप लोग को इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था, तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्पीसीज रिसेंबल ऑफ इंडिविजुअल होता है जो आपस में इंटरब्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथरा लियो एंड पैंथरा टाइगर्स। पैंथरा लियो मीन्स लायन एंड पैंथरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसका पैंथरा ये जीनस है, बट लियो एंड टाइग्रिस जो है, इन दोनों में, पैंथरा लियो में लियो जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट है, एंड पैंथरा टाइग्रिस में जो टाइग्रिस है ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहीं पे इसे एक एग्जांपल से कि एक जीनस का एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक में बात करते हैं, जिसका नाम है जीनस। दोस्तों, जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जो विच रिजेंबल सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल करते हैं, जैसे लायन एंड टाइगर, जो दोनों पैंथरा जीनस में बिलोंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, एंड एक जीनस में बहुत टाइप्स के अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए वो आपस में इंटरब्रीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, म्यूल जो है दोस्तों ये डंकी का प्रोडक्ट है, और जो हॉर्स है ये अलग प्रोडक्ट है। दोनों काफ़ी अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये दोनों एक ही जीनस के अंदर आते हैं, जिसका नाम है इक्यूएस, EQWS। इसको आप नोट कर लें, ये नीट में पूछा जा सकता है। इतना धीरे धीरे दोस्तों, फैमिली में प्लांट्स हैं, उनको कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला वेजिटेटिव फीचर के ऊपर, एंड सेकेंड रिप्रोडक्टिव फीचर के ऊपर। दोस्तों, जो लायन, टाइगर एंड लिपर्ड एंड कैट्स भी एक ही फैमिली में रहते हैं, जिस जो है फेलिडाई। दोस्तों, कैट्स एंड डॉग्स जो है वो काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, इसी के लिए वो अलग अलग फैमिली में रहते हैं। कैट्स जो है वो फेलिडाई फैमिली में रहता है, एंड डॉग्स जो है कैनेडी फैमिली में रहता है। अब चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऑर्डर। दोस्तों, ऑर्डर में असेंबलीज ऑफ फैमिलीज होता है विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, इसमें एक कार्निवोरा ऑर्डर होता है, जिसके अंदर फेलिडाई एंड कैनेडी दोनों आते हैं। दोस्तों, आपने अभी ऊपर देखा हुआ था फैमिली में कि फेलिडाई एंड कैनेडी अलग अलग होते हैं। फेलिडाई में कैट्स बिलोंग करते हैं, एंड कैनेडी में डॉग्स। बट अब जैसे ही हम आगे फर्दर आगे बढ़े ऑर्डर में, तो ऑर्डर में दोनों जो हैं वो एक ही ऑर्डर में आ गए। अब दोस्तों, अब अगला टॉपिक जो है क्लास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्लास असेंबलेज ऑफ ऑर्डर होता है, इसके अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन जो है एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं, अलोंग विथ कार्निवोरा। जी हाँ दोस्तों, अलोंग विथ कार्निवोरा। पिछले हम पढ़े थे कि कार्निवोरा में फेलिडाई एंड कैनेडी बिलोंग करते थे। कार्निवोरा जो ऑर्डर था उसमें फेलिडाई एंड कैनेडी बिलोंग करते थे, लेकिन दोस्तों इसमें मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन के साथ इन मेमेलिया के साथ कार्निवोरा बिलोंग करता है। मींस इन सबको मिला के मेमेलिया बोला जाता है, मेमेलिया क्लास। इन मेमेलिया क्लास में मंकी, गोरिल्ला, गिबन एंड कार्निवोरा, ऑल कार्निवोरा बिलोंग करते हैं, विच डैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर हो गए, कैट्स हो गए और डॉग्स हो गए। चलिए दोस्तों, अब अगले क्लास जो कि है फाइलम, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, असेंबलेज ऑफ क्लास को विच सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइलम कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, ये भी मैमल्स के साथ फाइलम कैट में, जो कॉर्डाटा फाइलम है, कॉर्डाटा फाइलम में के अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किंगडम। दोस्तों, किंगडम दो टाइप्स के होते हैं, पहला प्लांट किंगडम जिसको प्लांटी कहते हैं, सेकंड एनिमल किंगडम जिसको एनिमलिया कहते हैं। प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर सभी प्लांट्स बिलोंग करते हैं, एंड एनिमल्स किंगडम एनिमलिया के अंदर सभी एनिमल्स बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा, जैसे जैसे हम क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मीन्स हम लोग ऊपर जाते जाते हैं कैटेगरीज में, हायरची कैटेगरीज में, तो वैसे वैसे उनकी सिमिलरिटीज़ घटती जा रही हैं।
फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने देखा कि कैट्स एंड डॉग्स को अलग 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 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया था, फेलेडी एंड कैनेडी में। फिर जब हम ऑर्डर में पढ़े तो ऑर्डर में उन दोनों को एक मिला दिया गया, जिसको हम लोग कार्निवोरा, जो ऑर्डर था उसको कार्निवोरा बोला गया। फिर अगले में क्लासेस में गए, क्लासेस में ममेलिया में ये आ गया अलॉन्ग विथ मंकी गोरिल्ला एंड गिबन के साथ। एंड उसके बाद जब फाइलम, फर्दर हम लोग फाइलम के बारे में पढ़े, तो फाइलम में ममेलिया भी जो है वो भी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल के साथ। कॉर्डाटा फाइलम में आ गया। इसी तरह दोस्तों, एंड लास्ट में किंगडम में एनिमल्स टोटल एनिमिलिया किंगडम में आ गए। दोस्तों फर्दर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो ये सिमिलरिटीज़ हैं वो घटती जाती है, और हम लोग को इन सबको क्लासीफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों इससे ये स्टेटमेंट दिया है कि जितने कम टैक्सा रहेंगे उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर शेयर करेंगे आपस में, एंड जितने हायर कैटेगरी रहेंगे ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। मीन्स बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज फॉलो नहीं करेंगे जितना लोअर टैक्सा में करते हैं। दोस्तों इस टेबल को आप बढ़िया से एक बार रीड कर लीजिएगा एंड सभी को लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला टॉपिक है जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टैक्सोनॉमिकल एड्स में इसका मतलब है टेक्निक्स, जो भी हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, स्टेप्स यूज़ करते हैं और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसके स्टेप्स जान लेते हैं, क्या क्या प्रोसीडर यूज होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में। तो सबसे पहला आता है हर्बेरियम। दोस्तों हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट्स के स्पेसिमेंस हैं जो कि ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स रहते हैं। ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड रहते हैं एंड उनको सीड्स पे प्रिजर्व्ड किया जाता है, बचाया जाता है। बाद में दोस्तों इन सभी सीड्स को सजाया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा। यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से सजाया जाता है। जो ये स्पेसिमेंस है दोस्तों, ये जो स्पेसिमेंस है दोस्तों, इन सभी को हर्बेरियम सीट में कैरी किया जाता है, जो जिनके साथ साथ इनके इंफॉर्मेशन, इनके डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन इनको कलेक्ट किया एंड किस प्लेस पे कलेक्ट किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में एंड लोकल और बोटैनिकल नेम्स में लिखा जाता है, अलॉन्ग विथ देयर फैमिली कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया और भी काफ़ी कुछ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। दोस्तों बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को एज ए रिफरेंस के तौर पे उगाया जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और जो सभी जितने प्लांट्स होते हैं उस सभी बोटेनिकल नेम्स मीन साइंटिफिक नेम और अपने जो उनके फैमिली है, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ लिखे रहते हैं। दोस्तों तीन जगह बहुत फेमस है बोटेनिकल गार्डन। फर्स्ट क्यू जो इंग्लैंड में है, सेकंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन हॉरे जो इंडिया में है, एंड एट तीसरा जो है वो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं म्यूज़ियम के बारे में। दोस्तों म्यूज़ियम में दरअसल सेटअप किया जाता है उन सभी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पर्पज़ के लिए, जो स्कूल और कॉलेज हो गया उनके लिए ज़्यादातर वहाँ पर सेटअप होता है कि वहाँ के बच्चे अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए उस चीज़ को। दोस्तों म्यूजियम में प्लांट्स, एनिमल्स सभी के स्पेसिमेंस होते हैं स्टडी के रेफरेंस के लिए। जो प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं छोटे प्लांट्स के, वो कंटेनर्स और जार में प्रिजर्व किए जाते हैं, या किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस, प्लांट जो और एनिमल्स स्पेसिमेंस होते हैं वह ड्राई रखे जाते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करके, किल करके और पिन करके प्रिजर्व किए जाते हैं। जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स वो भी प्रिजर्व किए जाते हैं म्यूजियम में। दोस्तों म्यूजियम में दरअसल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को क्रिप्ट किया जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, और दोस्त उनके बिहेवियर को जानने के लिए एंड फूड हैबिटेट, उनके हैबिटेट को जानने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे की क्या होता है और उसको ब्रीफली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों
गुड बाय।